नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस ड्यू 2 सरफेस पेंसिल के बारे में। गाइज मतलब जो पेंसिल आप नॉर्मली टैबलेट या मोबाइल फोन भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइज जो इसकी स्क्रीन साइज दिया है थोड़ा सा और ब्रेजर्स को लाइक मतलब पतला कर देते ना तो एक मिनी लैपटॉप भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा एंड्रॉइड बेस है तो इसलिए हम मोबाइल फोन कह रहे हैं, टैबलेट का क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिया गया कहीं भी। तो आपको डुअल इंडिविजुअल स्क्रीन मिल जाती है, तो गाइस पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे वीडियो आ रही है तो क्लिक करके जरूर देखिएगा। और बात करेंगे इसमें हम सरफेस पेंसिल के बारे में कि आपको क्या नया मिल जाता है इस पेन में और क्या नई फैसिलिटी मिल जाती है। तो गाइस मतलब बहुत सारे डाउट के बीच में छोड़ दिया, जो इसकी कॉस्ट है वो बता दो, $65 की पड़ती है। और $65 की पड़ती है तो पड़ती है क्योंकि इसमें आपको एक्सटर्नल पावर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फीचर है। नॉर्मली टच करके आप ड्राइंग बना सकते हैं, बटन दबा के आप क्रॉप कर सकते हैं, बटन दबा के आप मूव कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर इनबिल्ट दिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है गाइस पूरी एस पेन मतलब सरफेस पेन में आपको चार्जिंग ऑप्शन नहीं दिया जाता इंडिविजुअली। तो तब चार्जिंग ऑप्शन नहीं दिया जाता तो हम कहीं ना कहीं धारणा ये बनाते हैं कि क्या हमें सरफेस ड्यू 2 में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था तब आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। क्या वो वायरलेस चार्जिंग के मतलब पैन को चार्ज कर सकता है? क्योंकि जो ये पिक्चर देख रहे हैं आप इसमें कि पैन को रख रहा है, लाइट जल जा रही है, तो इनडायरेक्टली मीनिंग हम ये कह सकते हैं क्या इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है या टैबलेट में मतलब मोबाइल फोन में पॉइंट दिए गए हैं चार्जिंग के, जो टच करते ही वहीं पे अपने आप चार्जिंग उठा लेता है। तो गाइस मतलब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डिजाइन में कुछ भी स्पेसिफिक फाइल नहीं होता क्योंकि मोबाइल की फोटो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पे पेंसिल के पॉइंट दे रखे हैं तो वहां पे टच करते चार्ज हो जाएगी। लेकिन गाइस हिडन मतलब कुछ चीजें हिडन हाइड भी रखी जाती है मोबाइल फोन में या एस पेंसिल में, या बात करें सरफेस पेन में, तो इस तरीके की चीजें आपको और देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे टैबलेट तो लॉन्च किया लेकिन यहाँ पे पेन दे देते हैं, मतलब मैं हमेशा टैबलेट ही कह रहा हूँ क्योंकि जो स्क्रीन है ना मैं कह ही नहीं सकता कि मोबाइल फोन है, इतनी बड़ी स्क्रीन में उसे मोबाइल फोन नहीं कहते। मोबाइल फोन का एक स्टैंडर्ड होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट भूल के उसे टैबलेट की जगह अपना फोन लॉन्च करा। और बात करें सरफेस पेन ये आपके साथ आ जाता है, तो मतलब बड़ी स्क्रीन में सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों यही होता है कि आप इंडिविजुअल थिंक बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो कि एस पेंसिल से, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो नॉर्मल सामने तो आप अपनी वीडियो भी चला सकते हैं और नीचे वाले पैड पे आप नॉर्मल लिख के लोगों को बता भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी करवा सकते हैं कि ये एक मतलब फोल्डेबल मोबाइलों में ये चीज अच्छी होती है कि आप इंडिविजुअल डिस्प्ले यूज कर पाते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। और गाइस बात करें पैसे भी ज्यादा नहीं है सरफेस पेन के, तो नॉर्मल $65 का पड़ता है, तो मतलब दम सम आपको पड़ जाता है ये 400-550 रुपए में, और तब 500 रुपए की रेंज में आ रही है, तो गाइस ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि जो फंक्शनैलिटी आ रही है आप नॉर्मल यूज कर पाएंगे। बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में ये भी रहता है क्या हम इस सरफेस पेन को किसी अनदर मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम मोबाइलों की स्क्रीन बहुत मोटे रबड़ को सपोर्ट करती है टच के लिए, बहुत ज्यादा बारीक चीजों के लिए वही सपोर्ट करती है जिनके लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, धन्यवाद।